करोड़ों की मालकिन बनी ज्योति सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, दो महीने पहले ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता टूट ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। पवन सिंह का कहना ये था कि ज्योति सिंह नशा करती है, यानी दिस दैट तमाम तरह की आरोप लगाए थे पवन सिंह, और ये आरोप लगाए थे पवन सिंह कोर्ट में मीडिया के सामने नहीं। वहीं ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह के ऊपर बहुत सारा आरोप लगाया, और ये सब देखते हुए लग तो ऐसा रहा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक हो जाएगा। और ज्योति सिंह का डिमांड था 3 करोड़ रुपए का और एक बंगले का, यानी कुल मिला जुला कर 5-6 करोड़ का डिमांड था ज्योति सिंह का, और पवन सिंह देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पवन सिंह बस 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे। पवन सिंह और ज्योति सिंह का दिन पे दिन मामला गंभीर होते जा रहा था, लेकिन अचानक से बीच में एक ऐसी खबर आती है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए। और देशवा न्यूज वाली ने बहुत ज्यादा कोशिश किया पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने के लिए, तो फाइनली पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो चुके हैं। और अब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ लखनऊ में रह रहे हैं। हाल ही में पवन सिंह ने ज्योति सिंह के लिए एक कार भी खरीदे हैं। अगर पवन सिंह से ज्योति सिंह दूर हो गई होती तो बस 3-4 करोड़ रुपए मिलता, और अब पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह रह रही हैं। पूरा संपत्ति ज्योति सिंह का ही हो गया है, चाहे पवन सिंह का संपत्ति कहिए चाहे ज्योति सिंह का संपत्ति कहिए, बात बराबर है। करोड़ों की अब मालकिन हो चुकी हैं ज्योति सिंह। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।